फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे अपना एक क्यूआर कोड जनरेटर जो कि पाइथन की मदद से हम बनाएंगे। और ये क्यूआर कोड जनरेटर हमारे लिए, हमारे किसी भी लिंक के लिए या फिर हमारे किसी टेक्स्ट के लिए या फिर हमारे किसी इमेज के लिए एक क्यूआर कोड जनरेट कर देगा। अब आपकी मर्ज़ी, वो आप चाहें किस चीज़ के लिए आपको क्यूआर कोड चाहिए वो आप समझे, लेकिन इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पाइथन की मदद से अपना एक क्यूआर कोड जनरेटर कैसे बनाएं। ये बहुत ही ईजी और सिंपल सा प्रोजेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अपना हम क्यूआर कोड कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना जो फाइल बनाना होगा, पहले हम फोल्डर खोल लेते हैं कोई, उसमें फ़ाइल बना लेंगे। तो मैं खोल लेता हूँ कोई नया सा फोल्डर, ये तो मैंने एक फ़ोल्डर खोल लिया है। इसके बाद क्या करना है, एक फ़ाइल बनाएंगे, उसका नाम कुछ भी रख देते हैं, अपना प्रोजेक्ट रख देते हैं, प्रोजेक्ट क्यूआर डॉट पी वाई। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें 2 मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेंगी, तो हमें सबसे पहले उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा टर्मिनल में जाके। तो हम टर्मिनल में आएंगे सिंपली और हमें लिखना है पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड, इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख रहा है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो आप लोग, हो सकता है कुछ टाइम लगे, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो सेकंड मॉड्यूल इंस्टॉल करना है उसका नाम है पिप इंस्टॉल इमेज, पिप इंस्टॉल इमेज। ये मॉड्यूल भी मेरे में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, इसलिए आप लिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आपके में हो जाएगा ये इंस्टॉल। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो प्रोजेक्ट है वो ओपन करना है। फिर फ्रेंड्स, हमने अपने इन दोनों मॉड्यूल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपना जो क्यूआर कोड है उसको इनिशियलाइज़ करना होगा। तो इसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यूटी, क्यूटी मीन्स क्यूआर टेस्ट। सो क्यूटी लिखने के बाद यहाँ पर लिखना होगा आपको सिंपली क्यूआर कोड, क्यूआर कोड डॉट कैपिटल क्यू कैपिटल आर कोड, ये फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपको लिखना है, आपको 3 एट्रीब्यूट्स पास कराने होंगे इसमें। जो पहला एट्रीब्यूट होगा वो होगा वर्ज़न, कि आपको कौन से वर्ज़न का क्यूआर कोड चाहिए। ये सिंपली आपको बस इतना बताता है कि आपके जो क्यूआर कोड है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये इससे डिसाइड होता है, ये वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा आपका कॉम्प्लिकेशन क्यूआर कोड का। वर्ज़न में आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ, 20 लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ जो ये बताएगा दिस कॉम्प्लेक्सिटीज, फिर नीचे वर्जन के बाद आपको जो एट्रीब्यूट पास कराना है वो है बॉक्स साइज। बॉक्स साइज में आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, या हाँ 10 ठीक रहेगा। 10 देने के बाद यहाँ ये बॉक्स साइज ये डिसाइड करेगा कि आपका जो स्क्वायर शेप का क्यूआर कोड है उसका साइज़ क्या होगा। इतना लिखने के बाद तो यहाँ पे मैं भी कमेंट ऐड कर देता हूँ कि आप लोग भूले ना, तो ये आपके कोड का डायमेंशन आपको देगा, जो भी आपका क्यूआर कोड है उसकी क्या डायमेंशन है वो यहीं से सेट होंगी। उसके बाद अगला जो एट्रीब्यूट आपको पास कराना है वो बॉर्डर, तो बॉर्डर में आपको ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर में आपको ये बताना है कि जो वाइट साइड होगा लास्ट में, मतलब जो कॉर्नर्स पे वाइट आउटलाइनिंग करी होगी, उसका जो बॉर्डर का विड्थ है वो कितना होगा। तो ये मैं कुछ कम रखना चाहूँगा, 3 रख देता हूँ मैं, इसमें भी कमेंट ऐड कर देता हूँ दिस गिव्स यू द थिकनेस,
द बॉर्डर। इतना करने के बाद आपको सिंपली ये जो है एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको डेटा देना है कि आप क्या फीड कराना चाहते हैं, मतलब क्यूआर कोड स्कैन करने पे जो रिज़ल्ट है वो आपको सेट करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ लिख देंगे डाटा या तो कुछ भी, आप रिज़ल्ट लिख देते हैं हम, जो भी रिज़ल्ट हमारा आना है। तो मान लीजिए मैं अपना यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पर देना चाहता हूँ क्यूआर कोड को, तो मैं यहाँ पे YouTube चैनल खोल लेता हूँ अपना। मेरा इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये मेरे चैनल का लिंक, तो मैं इसी को देना चाहूँगा अपने डेटा में। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, और इसके बाद मैं अपने वीएस कोड में आ जाऊँगा और वहाँ पे इसको फीड करा दूँगा डेटा। तो जब मेरा क्यूआर कोड स्कैन होगा तो वहाँ पे ये चैनल आना चाहिए। डेटा कराने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है आपने जो क्यूटी कोड बनाया था उसको ये डेटा फीड कराना है, तो ऐड करना पड़ेगा इसमें ऐड डेटा में। यहाँ जो आप भी रिज़ल्ट दिए उसके डेटा में ऐड हो जाए। उसके बाद आपको एक और लाइन लिखनी होगी क्यूटी डॉट मेक, यहाँ पे आप लिख देंगे फिट इक्वल्स टू ट्रू। इतना लिखने के बाद आप जो भी क्यूआर कोड है उसको सेव करना चाहेंगे तो आप अपने कोड इमेज को, जो भी आपका कोड इमेज है, मैं यहाँ पे कोड इमेज लिख देता हूँ नाम में, कोड इमेज इक्वल्स टू क्यूआर डॉट मेक इमेज, सॉरी क्यूआर नहीं है क्यूटी है, क्यूटी डॉट मेक इमेज। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कलर जो भी है ब्लैक एंड वाइट चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिल इक्वल्स टू ब्लैक, और इसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा एक और लाइन बैक कलर, जो हमारा बैक कलर है वो वाइट होना चाहिए, तो वो भी लिखना होगा बैक। फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको एक लाइन और लिखना होगा कोड इमेज डॉट सेव, और फिर उसके बाद उसका नाम लिखना होगा जो भी आपने क्यूआर कोड बनाया है उस इमेज फाइल का आप नाम क्या रखना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे lwp.png रख देता हूँ, आपकी जो इच्छा वो रख सकते हैं आप। फ्रेंड्स इतना नाम लिखने के बाद lw.png इमेज चाहिए मुझे, इतना लिखने के बाद जस्ट अब कोड को सेव कर लेंगे और फिर इसे रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसे हम इसे रन करेंगे यहाँ पे देखिए आप एक जो png इमेज आ चुकी है lwp.png, यही हमारा क्यूआर कोड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है, अब इसको जो कोई भी स्कैन करेगा वो सीधे मेरे चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अब हम अपने फ़ोन में अपना जो भी क्यूआर कोड है उसको स्कैन करेंगे और देखेंगे क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो चलिए ये स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है और अब हमारा पेज जो है खुल चुका है, लिंक आ चुकी है, तो इससे मेरा जो है यूट्यूब चैनल खुल गया।
इस वीडियो में हमने सीखा QR कोड जनरेटर कैसे बनाएं पाइथन की हेल्प से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।